सो हे गाइज, वेलकम बैक योर क्लास एंड नाउ दिस इज योर विजय हेयर। और दोबारा से आप सभी का स्वागत है पाठशाला के चैनल में। आप सभी चैप्टर फोर्थ का सेकंड पार्ट आज करने जा रहे हैं। ये क्लास 12 की हिस्ट्री का थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग से रिलेटेड चैप्टर है। एंड ऑल यू नो दैट हमने वीडियो का पहला पार्ट अपलोड किया हुआ है एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि ज़रूर जुड़िएगा, और अदरवाइज आप दूसरे और प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर है और साथ में टेलीग्राम, जिसमें हम आपके साथ नोट शेयर करते हैं, उनके साथ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, यहाँ पे अब आपको याद होगा हमने पिछली क्लास के अंदर काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश करी थी, और आप सभी को मुझे पता है कि सेकंड पार्ट का बेसब्री से इंतज़ार था। तो मैं आपकी उम्मीद को बिल्कुल कायम रखूंगा और आपको बहुत बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। इस चैप्टर के अंदर वीडियो का पहला पार्ट जो हुआ था उसके बाद हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो देखिए पूरा एंड तक, समझिएगा कि कितनी सारी चीज़ें किताबों के अंदर दी हुई हैं। उसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें ऐड करी हैं ताकि आप ध्यान से समझ सकें कि सही मायने में किताबों में जो हिस्ट्री लिखी हुई है उससे कई ज़्यादा आपको ई पाठशाला चैनल पे देखने को मिलती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो हमने ये देखा था कि किस तरीके से शुरुआती समय के अंदर आप देखेंगे कि ये जो अश्वमेघ यज्ञ था, राजसूय यज्ञ था, ये सारे यज्ञ उस समय पे हो रहे थे। और ये मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पीरियड के अंदर जब ये कवक डायनेस्टी आई थी, सुंग डायनेस्टी आई थी, तो हिंदुज़म को या हिंदू के रीति रिवाज को, धर्म सोच शास्त्रों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल गया था। लेकिन उनमें से एक और चीज़ है दोस्तों, जिन्हें आप उपनिषद बोलते हैं। ये उपनिषद होते क्या हैं, ये आपके बुक के अंदर बहुत छोटा सा साइड में लिखा हुआ है, लेकिन आप ये जानेंगे कि वेदों के अंदर जो ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, ये जितने भी वेद हैं ना, इन सभी वेदों के अंदर श्लोक लिखे गए हैं, वो भी उपनिषद के रूप में। तो आप याद रखिएगा उपनिषद का मतलब, सिंपल से शब्दों में ये बताने की कोशिश करी गई है, जब गुरु और शिष्य आपस में मिलके जब बातचीत करते हैं, जब दे टॉक टू ईच अदर, और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ को वहां के होने वाले इंसिडेंट को एक उपनिषद में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो उसे हम उपनिषद बोलते हैं। तो इस हिसाब से मैंने, वैसे तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसका मतलब एक तरीके का संवाद होता है, एक तरीके का क्या कहते हैं डायलॉग्स होता है, और यही सारे पार्ट फिर वेदों के अंदर डाल दिए जाते हैं। तो आप ये उपनिषद की कुछ पंक्तियां स्रोत नंबर 2 से आप अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं कि आत्मा की प्रकृति और सच्चा यज्ञ एक तरीके का, ये भी एक उपनिषद है। और दूसरा, अगर आपको याद हो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम, तो आप एक पेपर के अंदर आता है सत्यमेव जयते, ये एक उपनिषद है। पर ये उपनिषद कौन से उपनिषद से लिया गया है, दिस कमेंट्स इन पेपर। तो अगर आपको पता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट जो हैं इतना डीपली समझ पा रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग जितने उपनिषद बने हैं उसमें से लगभग 180 उपनिषद जो है अभी तक बनाए जा चुके हैं, और जो सारे वेदों के अंदर कॉन्टेक्स्ट में डाले गए हैं। अब ये इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जैसे कि लोगों को जो उस प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ सीखने को मिल सके। सत्यमेव जयते जैसे एक मैंने एग्जांपल बताया, वो भी किसी उपनिषद के अंदर ही होगा, लेकिन उसमें सत्यमेव जयते के अंदर ये दिखाने की कोशिश करी हुई कैसे सत्य की ही जीत होती है, तो वो एक उपनिषद हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ ये उपनिषद दे रखे, हालांकि पेपर के अंदर आते तो नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि उपनिषद क्या होता है, क्योंकि बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया आप बता दो जो भी है, बाकी हम झेल लेंगे। क्योंकि देखो, मेन मतलब पढ़ाई के लिए, आप समझिए, टेक्स्ट बुक की चीजों में बहुत सारी चीजें ऐसे छुपी हुई है, एक एक शब्द इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभार, जो आपके एग्जाम के लिए, आगे की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दैट इज व्हाई मेरा सबसे ज्यादा मुख्य एम हमेशा ये रहता है कि बच्चों को चीजों को समझाया जाए। अच्छा, चलिए मान लेते हैं वेद अलग हो गया, श्लोक अलग हो गए, उपनिषद अलग हो गए, इन सभी को मिला के फिर हमने देखा कि बाद में जाके वेदों का निर्माण हुआ, फिर बाद में जाके क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें बनती रही, ये बैकएंड में चलती रही। अब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा समाज के अंदर हावी हो चुकी थी कि लोगों को पता था कि यार अगर क्या कहते हैं साम्राज्य को अच्छा करना है तो राजा को यज्ञ कर लेना चाहिए, और जो ये वर्ण व्यवस्था थी ये तो एक डिवाइन ओरिजिन था, जो आपने थर्ड चैप्टर के अंदर भी देख लिया था। लेकिन जैसे जैसे किसी भी चीज़ की
प्रेशराइज या कोई भी चीज़ समाज के अंदर सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है ना, तो आप देखेंगे कि अब नई आइडियोलॉजी, नए क्वेश्चंस समाज में आने लग गए। एग्जांपल के लिए यहाँ पे कहा गया था कि जो ब्राह्मण पंडित जो होते हैं वो दक्षिणा लेंगे या दक्षिणा देंगे, उसके बाद क्षत्रिय या तो राज्य चलाएंगे या राज्य चलवाएंगे, तो ऐसा सिस्टम होता था। तो ऐसे ही जब नई आइडियाज़ आई, नई थिंकिंग्स आई, लोगों ने इनके ऊपर क्वेश्चंस करने लगे। क्वेश्चन क्या करने लगे, क्वेश्चन ये करने लगे, क्या सही मायने में पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ है, आफ्टर डेथ एंड रीबर्थ। मतलब ऐसा कहा जाता था ना कि आप यज्ञ कर लेंगे तो आपका जो जो मरने के बाद व्यवस्थाएं होंगी वो ठीक हो जाएंगी, आपका जो जीवन आप जी रहे हैं वो ठीक होगा। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, पंडित लोग, ब्राह्मण पंडित लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करते हैं तो आपका जो रीबर्थ होगा वो अच्छा होगा। ये किसने देखा है, ये किसको पता है, किसी को नहीं पता है। सो दैट इज़ वाई ऐसे ऐसे चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन होने लग गए कि पॉसिबिलिटी है डेथ के बाद दोबारा से रीबर्थ होने की। भाई मुझे तो नहीं पता, आप और मैं, देखो मत कर माया पे अभिमान, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मत कर माया पे अभिमान, मत कर काया पे क्या कहते हैं अभिमान, काया गार से काची। कहने का मतलब ये है कि माया और काया किसी की नहीं होती है, वो आज आपके पास है कल किसी और के पास होगी, है ना। तो यहाँ पे दौलत और शौहरत और हुकूमत सब किराएदार है, आज किसी और के पास है कल किसी और के पास होगी। सेम ऐसा ही जीवन मुझे लगता है कि एक ही मिला है, लेकिन ब्राह्मणों ने उस टाइम पीरियड पे ये कहा कि अगर आप क्या कहते हैं यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे, फलाना करेंगे, तो मे बी शायद से आप आफ्टर डेथ आपका रिबर्थ हो और आप मानव योनि के अंदर ही क्या कहते हैं पैदा होंगे। पर ऐसे चीजों पे क्वेश्चंस होने लग गए, वाज द रिबर्थ ड्यू टू पास्ट, मतलब जो आप मानव जाति में आपने जन्म लिया है क्या आपके पिछले अच्छे कर्मों का नतीजा था, क्या ऐसा इसलिए हुआ था। ब्राह्मण लोग यही कहते हैं ऐसा इसलिए हुआ था। दूसरा, लोगों ने यही कहा क्या ऐसा होता है क्या सही मायने में कि अगर आप यज्ञ कर लेंगे, आप यज्ञ कर लेंगे तो आप सारे चिंतन से, सभी चीज़ों से दूर हो जाएंगे। मतलब लोगों को ये भी समझना था कि समाज के अंदर अगर यज्ञ हो रहा है, अगर हम भैंसे की बलि की या किसी भी पशु की, किसी भी जानवर की बलि दे रहे हैं, उनका सेक्रीफाइस कर रहे हैं यज्ञ के टाइम पीरियड पर, क्या ये चीज़ें सही है। तो मतलब ये सारी चीज़ें ना बहुत सारे लोगों ने सोच समझ के बातचीत करी, बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पीरियड पे, आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे नाटकों में, पुराने नाटकों में, तो कैसे कैसे राजा अपने साम्राज्य के अंदर अलग अलग धर्म गुरुओं को लाता था और शास्त्र की और क्या कहते हैं शस्त्र की दोनों का कॉम्पिटिशन होता था, और उस कॉम्पिटिशन के अंदर जो बंदा सही चीज़ को जीत जाए, वो बड़ा हो जाता था और बाद में वो उसका डिसाइपल यानी कि उसका चेला बन जाता था। तो सेम ऐसे क्वेश्चन समाज के अंदर चलते थे, और जब ऐसे क्वेश्चन समाज के अंदर चलते थे दोस्तों, तो फिर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आप फाइनली जाके फिर डिबेट एंड डिस्कशंस होती थी। तो डिबेट एंड डिस्कशंस आप देख सकते हैं, टीचर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ट्राइंग टू कन्विंस वन अदर एज वेल एज द लायर पर्सन, मतलब जो साथ में होता था, अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द फिलॉसफी एंड द वे ऑफ द अंडरस्टूड द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे पूरे भारत या पूरे आसपास के दूसरी दुनिया के, दूसरे कॉन्टिनेंट के इलाके के लोग आते थे, मिलते थे, एक दूसरे को कन्विंस करते थे सही मायने में, ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें ऐसी हो सकती है, वो चीज़ें ऐसे हो सकती है, आपस में डिस्कशन चलता था। और ये डिस्कशन के टाइम पीरियड पर आप देखेंगे जो बंदा इस टाइम पर रियलिस्टिक है, जो बिल्कुल सही सटीक और सही बातें करता होगा, उस बंदे की वैल्यू बहुत बड़ी मात्रा में रहती होगी। कहने का मतलब जब ये हिंदुज़म धर्म में जिस जो कर्मकांड हो रहे थे इस टाइम पीरियड में, मे भी शायद से और भी आइडियोलॉजी उभरी होगी, और भी टाइप के लोग उभरे होंगे, लेकिन आपकी बुक के अंदर बुद्धिज़्म के बारे में और जैनिज़्म के बारे में ज़्यादा बताया गया है। तो आप देखेंगे कि मे भी शायद से ये लोग उनसे जीत गए होंगे सही मायने में, सभी चीज़ों के मुकाबले में। तो ये लोग उस टाइम पीरियड पर ऐसा नहीं कि कुत्ते की तरह आपस में लड़ रहे हैं, आप दूसरे को कन्विंस करें, नहीं, सटीक और सही चीज़ों पे फोकस करते हुए बात करते थे। और ये उस टाइम पीरियड पे आपकी बुक के अंदर लिखा कुटरशाला, कुटरशाला इज़ अ प्लेस जहाँ पे लोग मिला करते होंगे, कहीं पे मिल सकते हैं, लेकिन उस जगह को कुटरशाला बोल दिया। तो उस टाइम पीरियड पे बहुत इंपॉर्टेंट फिलासफर महावीर, वर्धमान महावीर और गौतम बुद्धा, ये दो ऐसे फिलॉसफर थे जिन्होंने उस टाइम पीरियड पे, मैं कह सकता हूँ हमारे इंडिया के अंदर, वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई 1001 CE से लेके 1000 BC के टाइम पीरियड में तो बहुत सारे लोग थे ही उस टाइम पीरियड पे, लेकिन महावीर और बुद्धिज़्म के बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा था। दे क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, और उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट था कि इन्होंने जो अथॉरिटी वेदास के ऊपर थी कि वर्ण व्यवस्थाओं के हिसाब से भैया ये चीज़ सही रहेगी, तो इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चंस करा कि क्या ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें बनाई किसने। जो मैंने आपको थर्ड चैप्टर में पहले भी बता दिया था कि महाभारत के अंदर कि भाई किस तरीके से हम
हमने तो पहले ही महासमाता जैसे लोगों को अपॉइंट करते थे, और अगर किसी फैमिली में किसी संघ के अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाता था तो महासमाता उसका डिसीजन लेता था, और फिर हम उसे बदले में चावल या जो भी दे दिया करते थे, पैसे तो होते नहीं थे। लेकिन ये चीज़ें कंटिन्यू बनती चली गई, तो ये चीज़ गलत थी। ये वर्ण व्यवस्था आया कहाँ से, तो ये क्वेश्चन कौन करते हैं, महावीर और क्या कहते हैं आपके बुद्धा, ये दोनों इन पर क्वेश्चन करते हैं। आगे चलते हैं, हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही थी और यहाँ पे, और इन लोगों ने उस टाइम पीरियड पे इन पे क्वेश्चंस करे। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे यहाँ पे दो टाइप की आइडियोलॉजी की। अब समाज के अंदर दो आइडियोलॉजी हो गई। एक वो लोग जो कहते हैं कि ये जो व्यवस्थाएं बनी है, वर्ण व्यवस्थाएं बनी है, कास्ट सिस्टम बनाई है, हमने नहीं बनाई है, ये पहले से ही भगवान की बनाई हुई है। और दूसरा जो वो लोग जो कहते हैं कि ये चीज़ें बनाई नहीं गई, ये चीज़ें हमने बनाई हैं और इसको समाज में हम बदल सकते हैं। तो ऐसे दो आइडियोलॉजी के लोग बने हमारे यहाँ पे, जिनमें से सबसे पहले आप बोलते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, फैटलिस्ट का मतलब हो गया ऐसे नीतिवादी लोग जो मानते हैं सब कुछ पहले से ही निर्धारित था। जैसे इस फिल्म में आप देख सकते हैं, यहाँ पे अमरीश पुरी जी को लग रहा है कि पहले से ही निर्धारित था कि मुझे मेरी पोल खोलने के लिए क्या कहते हैं, इन्होंने क्या कहते हैं, ये इंटरव्यू रचा हुआ है। तो सेम ऐसा ही ब्राह्मण लोग जो थे वो कौन थे, वो फैटलिस्ट लोग थे, वो लोग थे जो बोलते थे ये नीति में पहले से ही लिखा हुआ है, ये चीज़ हमने नहीं करी। और दूसरा एक और आइडियोलॉजी के लोग हुआ करते थे, जैसे आप मेटरलिस्टिक बोलते थे, मेटरलिस्टिक का मतलब ये वो आइडियोलॉजी है जो ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से निर्धारित नहीं है, ये सब हमने बनाया है, हमने अपने हिसाब से कंफर्टेबल के हिसाब से बनाया समाज के अंदर। तो देखते हैं, आप कह सकते हैं कि सब कुछ निर्धारित नहीं है, आपने अगर क्या कहते हैं, आज आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपके कल पे डिपेंड करता है, लेकिन कल क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है ना। तो उस टाइम पीरियड पे लगभग 600 से 500 बीसी के टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ, 400 की भी, तो उस टाइम पीरियड पे आप देखेंगे कि मतलब दो टाइप की आइडियोलॉजी चल रही थी। अब दोनों आइडियोलॉजी आपकी बुक के अंदर बहुत ही क्या कहते हैं, आप देखेंगे तो बहुत ही अलग तरीके समझाने की कोशिश करेगी एग्जाम्पल के थ्रू, बट आपको पता है कि अपना एग्जाम्पल कुछ ज़्यादा अलग ही होता है, ताकि आप आसानी से चीज़ों को कवर कर सके, आप चीज़ें रटे ना, आप समझे। तो अभी मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं अभी आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको ये बताना है कि गौतम बुद्ध जो है फैटलिस्ट थे या मेटलिस्ट थे। मतलब कहने का मतलब, गौतम बुद्धा जो थे वो नीतिवादी व्यक्ति थे, नियतिवादी व्यक्ति थे या भौतिकवादी व्यक्ति थे, आपको ये मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको पता है कि लाइक करना है, वीडियो बुरी लगती है तो आपको पता है डिसलाइक करना है, क्योंकि सभी बच्चों को कभी कभार एक इंसान सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। जो मेरा बेस्ट है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। देन अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे अब बात करते हैं द मैसेज ऑफ महावीर एंड द फिलॉसफी ऑफ द जैनिज्म। अब महावीर के बारे में बात करेंगे हम लोग, महावीर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। द बेसिक फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म वॉज ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस, मतलब जैन धर्म बहुत टाइम पीरियड से था। कहने का मतलब यही वाली बात है कि बुद्धिज्म था पहले या जैनिज्म था पहले, तो आपको ये बता दूं कि बुद्धिज्म से पहले जैनिज्म था, अस्तित्व में था, लेकिन वो सही रूप में उभर के नहीं आ पा रहा था उस टाइम पीरियड पे। आपको याद होगा मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो हेड थे चाणक्य, जैसे आप कौटिल्य भी बोलते हैं, बिंदुसार और कौटिल्य बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, चाणक्य भी बोलते हैं, उन्होंने भी जैन धर्म अपनाया था। तो आप सोच सकते हैं कि अशोक ने कहाँ जाके बुद्धिज्म अपनाया और कहाँ जैनिज्म, वहाँ पे जो कौटिल्य थे उन्होंने पहले ही अपना रखा था। तो कहने का मतलब यहाँ पर इंडिया के अंदर क्या कहते हैं, जैनिज्म बहुत पहले से फैला हुआ था। और इन द नॉर्थ इंडिया बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमान, मतलब कौन है बंदा, ये बंदा वर्धमान वही है भाई, मतलब माफ़ी चाहूँगा अगर आपको मेरा टर्म्स बुरे लग रहे हो, लेकिन समझाने का मेरा मेन मकसद है वर्धमान। देखिए पहले उनका नाम वर्धमान था, उसके बाद उनको टाइटल दिया गया महावीर का। तो महावीर जब वो क्या कहते हैं पूरी तरीके से तीर्थकार बन गए थे, तो फिर उनको हमने ग्रेट हीरो यानी कि महावीर की संज्ञा दी। तो महावीर आप देख सकते हैं इससे पहले जैनिज्म के अंदर 23 तीर्थकार पहले से ही बन के निकल चुके थे, और सबसे पहले तीर्थकार जो थे आप देख सकते हैं सबसे पहले तीर्थकार जो थे लॉर्ड ऋषभ पहले थे। और जो यहां पे वर्धमान आए थे वो 24 नंबर पे तीर्थकार बने, और इसके बाद अभी तक
कोई भी तीरथकार जैनिज्म के अंदर नहीं बना है। अब तीरथकार क्या होता है वो हम समझ लेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे वैशाली आपको दिखाई दे रहा है, वैशाली के अंदर यहाँ पे महावीर जी का क्या कहते हैं वर्धमान जी का बर्थ होता है और 30 साल की उम्र के अंदर वो क्या कहते हैं द पर्स्यूट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकिंग, मतलब धार्मिक अज्ञानता के लिए, स्पिरिचुअल अवेकिंग के लिए उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया। यानी कि 30 साल की उम्र से पहले वो पूरी तरीके से जो चीज़ें नॉर्मल लोग करते थे सारी चीज़ें वो करते थे, लेकिन उनको जैनिज्म में कुछ ऐसी अच्छी बात लगी जो स्पिरिचुअल चीज़ों को ढूंढने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। इसी वजह से आप देखेंगे जब 23 तीरथकार थे और जैनिज्म के अंदर लास्ट में 24 जब तीरथकार बने आपके जैनिज्म के अंदर वर्धमान जी महावीर तो उन्हें बाद में पोस्ट मिली, तो फिर आप नोटिस करेंगे जैनिज्म का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ। ठीक है, अब इतना हमें समझ लेना है। ये मैंने बता दिया कि वैशाली से ये बिलोंग करते थे, ये बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है, ना बुक के अंदर ये दिया हुआ है कि उन्होंने 30 साल की उम्र के अंदर क्या कहते हैं घर त्याग दिया था। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई बचपन से वो यही कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गौतम बुद्ध के साथ भी यही था, उन्होंने बचपन से घर त्यागा नहीं था, वो हम जब बुद्धिज़्म वाले चैप्टर में मतलब आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, लेकिन वो वैशाली के अंदर बिलोंग करते थे, वहीं से वो रहते थे। अच्छा, अब यहाँ पर हमें समझ में क्या आ गया कि पहला जैनिज्म का फाउंडर कौन था वो हमें समझ में आ गया। उसके बाद जैनिज्म के अंदर तीरथकार बढ़ते चले गए, और तीरथकार का मतलब क्या होता है, तीरथकार का मतलब वो होता है हु गाइड मेन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब जो अस्तित्व की नदी के पार लेके जाए। अस्तित्व की नदी समझते हैं, मतलब ये वो नदी है जो लालच बुराई और उसके बाद क्या कहते हैं समाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें होते हैं उन सबको अच्छाई बुराई समझा के एक ऐसा व्यक्ति जो किसी नदी के उस पार व्यक्ति को समझा सके कि भैया सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ मोह माया है, आप सब कुछ त्याग दीजिए, ये समाज ऐसे ही चलता रहेगा और ये ऐसे ही रहेगा। तो ये हमें मथुरा के अंदर क्या कहते हैं यहाँ पे एक तीरथकार जो है लगभग 3 शताब्दी ईसा पूर्व की हमें मूर्ति मिली है, तो लोगों को लगता है मे बी शायद से ये क्या कहते हैं वर्धमान महावीर जी की मूर्त हो सकती है। तो ये आई होप आपको तीरथकार समझ में आ गया। सच्चाई की नदी का मतलब होता है अस्तित्व की नदी, मतलब ऐसी नदी जो इंसान सही मायने में नदी पार नहीं करवा रहा है, उनको सच्चाई से रूबरू करवा रहा है। तो ये उस बुक के अंदर एक हिडन मीनिंग लिखी हुई है, तो समझने की कोशिश करिएगा, है ना, मन की आंखों से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मे बी शायद से अगर आपको भी तीरथकार बनना है, अगर आपको भी जैनिज्म को फॉलो करना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को मानना पड़ेगा। अब आप सच्चे जैनिज्म हैं या नहीं है वो इनके कामकाज और उनके प्रिंसिपल से पता चलता है। क्यों? क्योंकि जैनिज्म के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी। शुरुआती समय में जैनिज्म के अंदर एक ही हिस्सा था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एट प्रेजेंट टाइम जैनिज्म के 2 हिस्से हो चुके हैं। जैसे एक को आप क्या बोलते हैं, एक को आप श्वेतांबरम बोलते हैं और एक को आप दिगंबरम बोलते हैं। ये दोनों चीज़ ही बुक के अंदर नहीं है, आप ये अलग से फाइंड आउट कर सकते हैं कि श्वेतांबरम और दिगंबरम दोनों में अंतर क्या है। दोनों ही एक अलग सेक्ट जैनिज्म के अंदर क्यों बन गए थे, इनका एक अलग इतिहास है, वो आप अलग से पढ़ेंगे क्योंकि बुक के अंदर नहीं है। लेकिन मेरा मेन मकसद है आपको समझाना कि भाई यहाँ पे ये चीज़ जो है इससे टच कर रही है, इससे लिंक कर रही है। इतना अगर आप अलग से पढ़ लेंगे तो अगर आपकी किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन चल रही है तो आप यहाँ से इस टॉपिक को कवर कर लेंगे तो आपका ये वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो ये 12th के लेवल का था तो मैंने इसलिए बता दिया, लेकिन ये भी चीज़ आपको पढ़नी ज़्यादा अच्छी रहेगी ताकि आपको समझ में आ सके कि जैनिज्म जो इतना अच्छा चल रहा था तो उसके अंदर से 2 सेक्ट क्यों बन गए, ठीक है ना, वो हमें जानना है। अच्छा, उसके बाद मेन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, अगर जैनिज्म बना बहुत फेमस हुआ तो उसकी मेन टीचिंग्स क्या थी। नंबर 1 टीचिंग्स में अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, मतलब पूरा संसार पूरी दुनिया प्राणवान है। मुझे भी ऐसा लगता है, मेरा ये फ़ोन है एग्जाम्पल के लिए टूटा हुआ है, तो ये जो फ़ोन मैंने ख़रीदा है क्या ये फ़ोन हमेशा ऐसे ही रहेगा, नहीं ऐसा रहेगा ना, इसकी भी लाइफ ख़त्म होगी, ये भी ख़त्म होगा, और जो भी ये कैमरा है या जो भी चीज़ जो मैं शूट कर रहा हूँ इनकी भी एक लाइफ है। तो ऐसा ही जैनिज्म को लगता है कि हर चीज़ की एक लाइफ होती है, पत्थर चट्टान पानी का जीवन सबका एक जीवन है। आपको क्या लगता है कि पत्थर एक बार अस्तित्व में आ गया, एक बार जो पहाड़ है वो बन गया, तो क्या लाखों सालों तक पहाड़ वो रहेगा, टूटेगा, सिंपल सी बात है। कोई पेड़ है वो रहेगा, वो लंबे समय तक नहीं रह सकता। तो जैनिज्म का मतलब यही होता है कि हर चीज़ के अंदर जीवन है और उनका भी कोई लास्ट स्टेज आता है,
ये उनकी मेन प्रिंसिपल है। तो इसके हिसाब से वो क्या कहते हैं, इसके हिसाब से वो कहते हैं कि हमें किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रत्ती भर भी नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है एनिमल्स को, ह्यूमन को, प्लांट्स को और इंसेक्ट को। इवन आपने देखा होगा बहुत से जैनिज्म के लोग मुंह पे वाइट कपड़ा बांध के रखते हैं, और वो इसलिए बांध के रखते हैं कि हल्का सा गलती से उनके मुँह में अगर कोई मक्खी आ जाए और वो मक्खी खा जाए तो लगता है कि फिर वो नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे, उनको ऐसा लगता है। लेकिन सही मायने में उनका कहने का मतलब ये है कि भाई वो पूरी तरीके से किसी भी जीव हत्या को एक्सेप्टेबल नहीं मानते, चाहे वो गलती से ही क्यों ना। बचपन में आप होते ना चीटियाँ मार देते थे, मज़ा बहुत आता था आप लोगों को। तो कहने का मतलब वो इसीलिए था कि हर चीज़ में जान होता है, आप अगर किसी को भी क्या कहते हैं नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके हिसाब से गलत है। तो कहने का मतलब वो पूरी तरीके से अहिंसा के ऊपर जोर दिया करते थे, है ना। तो ये चीज़ें सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि हर चीज़ के अंदर जान है और हमें सही मायने में नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहिए। और सो इट मीन्स दैट इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप चिकन और ये सब चीज़ें मुर्ग मुसल्लम या जो भी है जो भी आप खाते हैं तबीयत से दबा के, तो इसका मतलब ये है कि आप जैनिज्म की फिलॉसफी को सही तरीके से नहीं मान रहे। अगर आप गलती से आपकी आंखों में मच्छर चला जाता और आपने उसे मसल के मार दिया तो भी आप देख सकते हैं कि जैनिज्म की मेन टीचिंग को आप फॉलो नहीं कर रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। समाज में क्या क्या चल रहा है वो तो हमें समझ में आना ही चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में इसका प्रैक्टिकल से क्या लेना देना है वो भी आपको समझना चाहिए। कहने का मतलब आज की डेट में ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, क्योंकि जैनिज्म की मेन प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि अगर आपको जैनिज्म बनना है, सच्चा जैनिज्म बनना है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि द साइकिल ऑफ बर्थ एंड द रीबर्थ इज शेप थ्रू द कर्मा। मतलब अगर आप दोबारा से मानव जाति में आना चाहते हैं, जो बर्थ है या रीबर्थ का साइकिल है वो आपके कर्म पे डिपेंड करता है, इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन योर कर्मा। आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स यही कहते हैं कि बेटा अच्छे कर्म करोगे तो आपका फ़ायदा है, बुरे कर्म करोगे तो आपका फ़ायदा है। लेकिन सही मायने में आज भी इस पर क्वेश्चन है कि बुरा कर्म करने वाला तो बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है, अच्छा कर्म करने वाला बेचारा आज भी वैसे ही है। लेकिन कोई नहीं, प्रिंसिपल है तो हमें जानना चाहिए कि ये प्रिंसिपल्स क्यों बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे एसिटिज्म के बारे में और यहाँ पे पेनेंस के बारे में। कहने का मतलब त्याग और तपस्या, कर्म के चक्रों से मुक्ति पाने के लिए जैनिज्म ये बोलता है कि आपको कर्म और तपस्या करनी पड़ेगी। अब वो कर्म और तपस्या दोनों वही है। कर्म का मतलब क्या हो गया कि आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, आपको अहिंसा के ऊपर फोकस करना है, आपको पता है कि हर चीज़ के अंदर जान होती है तो उस पर क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं सब कुछ मान लेना है। तो कहने का मतलब आज के डेट में प्रेजेंट टाइम पे ना ऐसा कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। त्याग तो लोग करना ही नहीं चाहते। अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या कहते हैं आप 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए माँ कसम खाएँ और ये बोले कि हाँ ठीक है सर मैं 1 घंटे के लिए अपना फ़ोन छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो मैं आपको कहूँ आपको ये त्याग मैं कह दूँ ना, तो आप कहोगे कि भैया ऐसा मेरी जान ले ले पर मेरे से मेरा फ़ोन ना ले। तो ये चीज़ जो है वो सोचिए उस टाइम पीरियड पे बनाई गई थी और आज की डेट में फॉलो हो रही है, चाहे 50% ही फॉलो हो रही है लेकिन बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको साइकिल ऑफ कर्मा से फ्री होना है तो आपको त्याग और तपस्या का रास्ता अपनाना पड़ेगा, और त्याग और तपस्या का रास्ता अपनाने के लिए नेसेसरी ऑफ द कंडीशन ऑफ सेलिब्रेशन, दैट मीन्स आपको मठवासी अस्तित्व मोक्ष ये करना पड़ेगा। संसार त्याग कर यह प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए मठवासी अस्तित्व मोक्ष की एक आवश्यकता शर्त है। कहने का मतलब आपको क्या कहते हैं मोनोनिस्ट एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ स्टेलिवेशन। तो यहाँ पे कहने का मतलब जाने से मैं बताया हुआ है कि अगर आपको संसारिक सुखों से दूर होकर त्याग और तपस्या अगर आपने अपना लिया तो कहने का मतलब ये है कि आप सही मायने में 25th नंबर पे तीरथकार बन जाएंगे। अब आप बनना चाहते हैं तो माँ कसम खाइए आप बनेंगे, और अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, समाज के जैनिज्म को और अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं तो आप ज़रूर काम कीजिएगा, मैं आपको मना नहीं करूँगा। लेकिन प्रिंसिपल्स आपको जानने ज़रूरी हैं कि यहाँ पे क्या कहते हैं जो जैनिज्म है वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगर आप जैनिज्म की ये सारी व्यवस्थाओं को मान जाते हैं तो आपके साथ भी यही सिचुएशन होगी, फिर आपको ना फ़ोन ना पैसा ना कुछ ना कुछ। अब उनके लिए क्या करना है, कर्म के लिए कुछ नहीं करना है। जैन भिक्षुओं का नियम होता है आपको हत्या से बचना है, आपकी किसी भी हत्या नहीं करनी। अगर आपको कोई चाकू मार देता है तो आप उसे बदले में चाकू नहीं मारेंगे, तो ये हत्या नहीं करनी है आपको। दूसरा यहाँ पे अगर आपको किसी की चोरी नहीं करनी है, दूसरा आपको झूठ नहीं बोलना। माय गॉड आज के डेट में झूठ तो सुबह से लेकर शाम तक बिकता है,
तो ये बहुत मुश्किल है। दूसरा यहाँ पे आपको ब्रह्मचार्य रहना है, ब्रह्मचार्य यानी कि बजरंग बली वाला सीन, आपको सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में कभी नहीं आना है, तो ये एक चीज़ है। दूसरी यहाँ पे आपको संपत्ति नहीं रखनी है, आप संपत्ति किसी भी टाइप की नहीं रख सकते। तो ये पांच ऐसे नियम हैं, अगर आप इस कर्मों को फॉलो कर लेते हैं और इस तपस्या को आपने कई सालों तक कंटिन्यू रखा, तो इसका मतलब ये है कि आप जैनिज्म के सच्चे भक्त हैं, आप जैनिज्म की फिलॉसफी को अपनाते हैं। और अगर आपको जैनिज्म धर्म अच्छा लगता है तो वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आप ये मैसेजेस उनके भिक्षुओं को देख सकते हैं, जो जैनिज्म के भिक्षु अगर आपके कहीं किसी गेट पे आपको मिले तो आप देखेंगे कि अगर ये सारी क्वालिटी उसके अंदर है तो सही मायने में वो बहुत कठोर तपस्या, मैं कह सकता हूँ, निभा रहा है। मतलब कितना मुश्किल होता है ये सारी चीज़ें कर जाना, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती है। अब यहाँ पे बात कर ले महावीर की टीचिंग्स के बारे में, तो महावीर की टीचिंग जो थी इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि उन सब ने ये सारी चीज़ों को बनाया। जैसे कि मैंने यही कहा कि तीर्थकार जो 24वें आए थे उन्होंने बहुत अच्छे धर्म को उसको फैलाया, और ये सारी चीज़ें उनके डिसाइपल के द्वारा उनके प्रिंसिपल्स में लिखी हुई हैं। प्राकृतिक भाषा में शुरुआती समय में लिखी गई थी, बाद में इन भाषाओं को तमिल, संस्कृत और चीज़ों में बनाने की कोशिश करी, क्योंकि ये चीज़ें होती रहती है ना। ये स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं, ये क्या कहते हैं, प्रिजर्व करी गई थी बहुत सारे टेम्पल्स में, और जितने भी उनके भिक्षु थे या जो भी क्या कहते हैं उनके डिसाइपल थे, उन लोगों ने ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं कपड़े के ऊपर, कापड़ बोलते हैं, इसे कपड़ा बोलते थे। शुरुआती समय में कागज़ तो था नहीं, पत्थरों पे तो अशोक ने लिखवाना चालू करा था, लेकिन जैनिज्म के अंदर कपड़ों के ऊपर भी चीज़ें लिखी गई थी और प्रकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, आप ये समझने की कोशिश करिएगा। एट प्रेजेंट टाइम अगर जैनिज्म के बारे में देखें तो दुनिया के बहुत सारे हिस्से के अंदर जैनिज्म है, लेकिन अगर भारत के 2011 के स्टैटिक्स के अनुसार देखें तो जैनिज्म की संख्या आप देख सकते हैं कितनी है, और यहाँ हिंदुज़म की संख्या जो आप देख सकते हैं कितनी है, और यहाँ बुद्धिज़्म की संख्या जैनिज़्म से थोड़ी सी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे इतने सारे लोग आए थे लेकिन जैनिज्म की आइडियोलॉजी को कुछ ही लोग अपना पाए हैं, और आज भी कुछ लोग इसको बहुत बाखूबी तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से इसको निभा रहे हैं। अब यहाँ पे जैन धर्म से जुड़ी हुई कई पत्थरों की मूर्तियाँ कई साइट्स के ऊपर हमें बरामद हुई हैं। वो बरामद कहाँ से हुई है, अगर आप अजंता की, एलोरा की, जो महाराष्ट्र के आसपास की देख सकते हैं ना, क्योंकि अगर ये धर्म यहाँ के आसपास में फैला हुआ है, यहाँ के आसपास में, तो यहाँ के आसपास में आपको गुफाएँ जो हैं वो देखने की मिलेंगी। अजंता की गुफाएँ हैं, अगर आप वहाँ देखेंगे तो जैनिज़्म की काफ़ी सारी मूर्तियाँ हमें वहां देखने को मिलती है। ये चीज आप यूपीएससी के अंदर आर्ट एंड आर्ट कल्चर के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि जैनिज्म की मूर्तियां सबसे पहले किन्होंने बनवाने की शुरुआत करी थी या कौन फॉलोवर थे वगैरह वगैरह चीजें। सो भाई अभी के लिए इतना ही है इस चैप्टर के अंदर, आई होप आपको कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल पाई होगी। अगले पार्ट के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे जैनिज्म के बाद बुद्धिज्म के बारे में कि बुद्धा की लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि वो पूरी तरीके से इतने बड़े क्या कहते हैं राजा से पूरी तरीके से भिक्षु में बन गए थे, तब्दील हो चुके थे। दोस्तों ये सारी चीज़ें हम वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे, वीडियो के तीसरे पार्ट में देखेंगे। अभी आपने वीडियो का दूसरा पार्ट खत्म करा है, वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। अगर आप जैनिज्म की चीज़ों को मानते हैं तो बहुत अच्छा है, वन ऑफ द ग्रेट थिंग। आप अगर जैनिज्म की फिलॉसफी को मानते हैं तो भाई किसी के साथ अहिंसा ना करें, ये लगभग उसी की तरह है कि गांधी जी कहते थे कि एक गाल पे मारो मैं दूसरे गाल पे खाने के लिए तैयार हूँ, है ना। तो थोड़ा बहुत वो जैनिज्म से भी रिलेटेड हो सकता है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, जब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, ठीक है। कोरोना से बचें, जरूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकले, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। दिस इज इट इन दिस वीडियो।